सचिन को और मेरे नाम को लेकर गंदगी ना। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि मेरे चैनल पे पॉजिटिव लोग ही रहा करें और निगेटिव लोगों का मेरे चैनल पे कोई काम नहीं है, मगर फिर भी कुछ निगेटिव लोग मेरे चैनल पे आ जाते हैं और गंदगी फैला के चले जाते हैं। तो आप सोचोगे स्टार्ट हुआ नहीं कि मैं बड़बड़ा रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कुछ ज़्यादा ही ख़राब लगती हैं और एक मर्यादा के बाहर आप लोग बोल देते हो, और बहुत चीज़ों का आंसर करने में यहाँ बैठी हूँ और मैं क्लियर आज बताऊँगी भी। बहुत सारी बातें ऐसे होता है ना जिसके बात का बतंगड़ बना देना जैसे बोलते हैं ना, वही हो जाता है ना कि बात कुछ और रहती है, चीज़ें आदमी जज और कुछ चीज़ों को कर देता है। और पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो लोगों को हम लोग नहीं पसंद हैं उन लोगों को मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, वो जा सकते हैं मेरे चैनल से। और जिसको जो आप लोग को अच्छा लगता है बस वही आप देखिए। अभी प्रियादीप की पार्टी से आए हुए हैं और सब कुछ अस्त व्यस्त है, पर मुझे ये ब्लॉग पता नहीं बनानी चाहिए थी कि नहीं बनानी चाहिए थी, मगर मुझे लगता है कि कुछ लोगों को जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि निगेटिविटी हमेशा इतनी गंदगी लोग भर कहाँ से लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल की गंदगी भर लेते हैं, उस गंदगी को बाहर निकालिए। और यहाँ पर टॉपिक मेरा ये है कि अभी आज जैसे आप लोग को पता हुआ है कि सचिन भैया के 1 मिलियन सब्सक्राइबर आज पूरे हुए, तो पहला तो मैं चाहूँगी कि वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, क्योंकि मैं उनको और उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। ये बात सत्य है, उनकी फैमिली भी जानती है कि सृष्टि दीदी मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। अब यहाँ पे टॉपिक ये है मेरा कि कुछ लोग मेरे और सचिन भाई के रिश्ते को लेके गंदगी फैलाना चाहते हैं, ठीक है ना? तो इस गंदगी को, सचिन को और मेरे नाम को लेकर गंदगी ना फैलाएं आप। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मेरा अटैचमेंट है वो केवल सचिन भाई से नहीं है, उनकी पूरी फैमिली से है। कोई एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है कि केवल सचिन ही हो जो कि उनसे एक अटैचमेंट अलग हो। वहाँ पे सचिन है, मनीषा है, सुचिता है, उनकी मम्मी पापा, हर कोई उनके हस्बैंड है, मतलब भी हम लोग का प्यार है। जैसे मैं जितना सचिन भैया के साथ रहती हूँ उतना ही मैं प्रिंस भैया के भी साथ रहती हूँ, उतना ही मैं रंजना के साथ भी रहती हूँ उतना ही, मतलब मुझे उनकी पूरी फैमिली से बहुत प्यार है। वो चीज़ हर कोई जानता होगा, चाहे सुचिता हूँ वो भी जानती होंगी, हर कोई जानता है कि सृष्टि दीदी का अटैचमेंट केवल मैं बहुत इसके पहले भी बहुत ब्लॉग में बोली भी थी कि मैं सचिन भैया के मतलब लोगों को लगता है कि सचिन भैया मुझे बहन मानते हैं, मगर मैं उससे पहले बता दूं कि मैं मनीषा को भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं सुचिता को भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो इसलिए इतनी गंदगी मत रखिए, कुछ लोगों की गंदगी इतनी माइंड पे रहती है कि उसको बाहर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे इतना हर्ट हुआ कि रिश्ते को भी आप लोग बदनाम कर देते हो, और कहां तक बदनाम, मेरा रिश्ता बदनाम कर दोगे? पहला तो एक चीज आपको क्लियर बता दूं कि मेरे इस रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये रिश्ता आपके बदनाम करने से कभी बदनाम नहीं होने वाला, पहला। दूसरी बात रही बात सचिन भैया का, तो आप कुछ लोगों ने लिखा कि तुम अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट सचिन को देती हो। भाई कहां तुम थे, कितने मिनट की तुमने रील देखी, और कहाँ देख लिया कि मैं अपने से ज़्यादा, मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा क्या बोलते हैं उनको छोड़ करके मैं सचिन भैया के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही। भैया मैं आपको बता दीजिए, आप ही ज़रा बता दीजिए कितनी देर आपको छोड़ करके मैं सचिन भाई के साथ ही केवल रील बना रही हूं। ऐसा कुछ नहीं होता, फर्जी की फितूर की बातें रहती है जो दिमाग में आप लोग भर लेते हो हर चीज़। सचिन का है, मनीषा है, जो भी है सबके साथ इक्वल रहता है, हम भी रहते हैं सारा टाइम वहाँ पे, जितना उनको ये मानती है उतना हम भी उनको मानते हैं, वो भी हमको उतना ही मानते हैं। मतलब ऐसा कोई है नहीं ना सिस्टम की माँ कि इनके साथ ये एक प्राइवेसी ढूंढ रहे हो या कुछ है, यार सब कुछ है, बहुत प्यार करते हैं हम लोग, उनकी पूरी फैमिली हमारी जानती है, हम भी उनकी पूरी फैमिली से इतना, मतलब ये क्या है, इतनी गंदी बातें लाते कहाँ से हो यार तुम लोग? पहला तो मैं आपको बता दूं, हम लोग वहां पे मात्र 1.5 घंटे के लिए मिले थे, उस पार्टी में हम लोग मात्र 1.5 घंटे के लिए मिले थे। दूसरी बात, उस 1.5 घंटे में पहला लोग एंट्री किए, फिर एंट्री उसके बाद वहां पे गिफ्ट उफ्ट दिया गया, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत डांस हुआ, उसके बाद रिटर्न गिफ्ट लिए, और हम लास्ट में सचिन भैया से मिले भी नहीं और चले आए। और आपको मैं बता दूं, जहां पे सृष्टि रहती है वहीं पे आयुष रहते हैं, और जहां पे आयुष रहते हैं वहीं पे सृष्टि रहती है। तो इतनी गंदगी तुम लोग भरते कहां से हो? और यार इतनी मेरा रिश्ता तो पहली बात तो मत गंदवाना यार, प्लीज। सही बात है। एक चीज मैं और बता दूं, देखो हम औरों का नहीं जानते कि आप लोग ऐसा करते होंगे, रिश्ते को नहीं निभाते होंगे, लेकिन हम लोग जो रिश्ते बनाते हैं ना किसी के साथ, वो रिश्ते निभाने के लिए बनाते हैं, ना कि आर्टिफिशियल होता है। कि अब जैसे इनका भाई बहन का रिश्ता, तो भाई बहन का रिश्ता निभाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सभी उधर और ऐसा भी कमेंट भर दो किसी चीज में ले जाकर कहीं फितूर भर दो ला के, ये सब निगेटिविटी नहीं। और रही बात सचिन भाई की, तो सचिन भाई को जितना मैं मानती हूँ ना, उसे कहीं ज्यादा मैं मनीषा को मानती हूँ, और उसे कहीं ज्यादा मैं सुचिता को मानती हूँ, आंटी को मैं मानती हूँ, रंजना को मैं मानती हूँ। तो उनकी पूरी फैमिली
से मेरे रिश्ते हैं, केवल एक से रिश्ता नहीं सृष्टि निभाती है, ठीक है ना। तो ये सब गंदगी अपने पास रखना, और आज के बाद मेरी इस रिश्तों को लेकर तो बदनाम बिल्कुल मत करना, बहुत पवित्र रिश्ता है। और हम ये नहीं जानते हैं कि मतलब हम कहते हैं अगर भाई बहन का नाम ना भी दो तब भी पवित्र है, मैं तो ये भी कहती हूँ, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। और इस रिश्ते को ना गंधवाइए, सब मतलब एक मर्यादा में रह के आप लोग भी कमेंट किया करिए, और हमको भी बर्दाश्त होगी, क्योंकि पता है आप लोग हर लेवल पे कमेंट किया करो, पर रिश्ते को लेके गंदगी ना फैलाया करो यार, ये गंदगी नहीं देखते बनता है। और रही बात हमारे आयुष के संबंध, हमारे आयुष के संबंध बहुत स्ट्रांग है, ये भी नहीं हिलेंगे। आप लोग कभी मेरे बेटे को लेकर, आयुष को लेकर के आप लोग कमेंट कर रहे हो, कभी हमारे आयुष के बीच के संबंध में किसी और को टपका दे रहे हो, तो ये ऐसा क्यों खुशहाल नहीं देखना चाहते क्या मेरे परिवार को? यही नहीं समझ पाते हैं हम, कभी कभी कमेंट्स वगैरह से पढ़ते रहते हैं, तो हमको ये लगता है कि यार मतलब दूसरे को कोई क्या दिक्कत है, हमारी फैमिली को तोड़ने में लगी रहती है हमेशा, तेजस को हमसे अलग करने में लगी रहती है, किसी कोई अगर किसी से मिलता है, किसी से प्रेम व्यवहार बन रहा है, किसी से यारी दोस्ती हो रही है, तो उसके बीच में गलत थिंकिंग ला देते हो तुम लोग यार, बिना मतलब का। मतलब का मैंने कितनी बार बताया कि इनकी सचिन भैया की बहुत बनती है, बहुत ज्यादा, अगर देखा जाए पूरे सोशल मीडिया की मैं बात करूँ ना, तो मुझसे मेरी और सचिन की जबरदस्त बनती है। और दूसरी बात, अरे अभी या तो अब बीच में प्रदीप भैया, हाँ अभी प्रिया के हस्बैंड से बहुत ज्यादा बनने लगी है, प्रिया दीप से हम लोग को काफी पहले से बात हुई थी, उनके हस्बैंड से मेरी बात नहीं होती थी, लेकिन जब प्रिया दीप के हस्बैंड से मिला, उनका भी नेचर जबरदस्त है, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, तो मैं तो उनके साथ भी दिखूंगी। और मैंने बहुत सारे ब्लॉग में ऐसे ब्लॉग में हमने बोला है कि मेरा देखिए सोशल मीडिया पे या कहीं पे हम जाते हैं तो बहुत रिजर्व रहते हैं, हम हर किसी से नहीं मिल पाते, घुल मिल नहीं पाते, लेकिन देखो सचिन हो गए हैं, प्रिंस का भैया है जैसे सचिन जो भाई प्रिंस है, इन सबका नेचर एक अलग है, जॉली नेचर के हैं ये लोग यार, ये लोग फ्रेंडली रहने चाहते हैं, ये नहीं कि रिजर्व में अपने अपने में है, अपने अपने में, तो फ्रेंडशिप एक अलग हो जाते हो, गलत तरीके का तुम लोग जैसे कमेंट कर दे रहे हो कोई, अब हम ये तो है नहीं किसी पार्टी फंक्शन में आदमी एक दूसरे का पल्लू पकड़े घूम रहा है कि यार पीछे चले जाओ, पीछे पीछे हम चले जा रहे हैं पीछे पीछे, वो तो नहीं, अरे यार हर कोई है मिलता जुलता है, बात करता है हर चीज, लेकिन वही का अगर अदर वे में लेके जाओ तो वही के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कृपा करके ऐसे लोग अगर हैं मेरे चैनल पे तो भाग जाइए, नहीं चाहिए ऐसा सब्सक्राइबर। और जो लोग अच्छे हैं वो लोग अच्छी तरीके से देखिए, कई ऐसे सब्सक्राइबर थे मेरे जो रिप्लाई कमेंट निगेटिव कमेंट करने वालों को दिए हैं, मुंह तोड़ जवाब दिए हैं कि यार हद है तुम लोग किस नीचता पे गिरे हो, तो मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर खुद ही लड़ बैठते हैं, ये हमको लगता है ये वही सब्सक्राइबर है ना, सब्सक्राइब करके तो चैनल रखते नहीं हो, तुम लोग को आता है गंदगी फैला करके चैनल पे भाग जाना है, मतलब चैनल को गंधवा दे रहा है, तो ये गंदगी अपने पास तक रखिए, सीमित रखिए। बहरहाल मैं ऐसी गंदगी वाले कमेंट देखती हूँ, मतलब वैसे मैं निगेटिव कमेंट को छोड़ देती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि डिलीट कर देते हैं, हाँ मगर हाँ ये नेक्स्ट लेवल की गंदगी लगती है, तो फिर ऐसे लोगों को मैं अपने चैनल से ब्लॉग ही मार देती हूँ कि भाई भागो भागो तुम्हारा यहाँ पे कोई काम वैसे नहीं। भी हम लोग ब्लॉग वगैरह जो भी अपडेट देते हैं, जो भी चीजें देते हैं, हम अपने अपने सब्सक्राइबर्स को देते हैं जो हमें प्यार देते हैं, हमारे लिए उन लोगों के लिए ब्लॉग है ही नहीं जो आकर के निगेटिव कमेंट बोले जाकर के वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जा जाके खाली गंदगी फैलाएं, उनके लिए हम बनाते नहीं, अब उनका नेचर ही है, उनकी दिमाग में वो कीड़ा भरा ही है, वो हमारे साथ नहीं, वो हर एक क्रिएटर के साथ ऐसा करते हैं। मगर बहरहाल भाई फिलहाल इस रिश्ते को ना गंधवाइए, बहुत पवित्र रिश्ता है, और उनकी पूरी फैमिली से मेरा रिश्ता एक से रिश्ता नहीं है, तो बहरहाल अपने दिमाग का कीड़े को बाहर करो और अंदर यहाँ पे आओ, सृष्टि आयुष के रिश्ते जो पति पत्नी के बहुत स्ट्रांग है, हम लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और वो रिश्ता मेरा भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, तो इसलिए उसको गंदगी फैलाइए ना इस टॉपिक में, इसलिए मैं बोली हूँ, मैं चाहती हूँ तो ना भी बोलती, मगर आइंदा ऐसी हरकतें मत करना मेरे चैनल पे। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।